खास मीटिंग करते थे पार्लियामेंट हाउस। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आज 5 मार्च है और अभी हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी अपना कॉलेज टूर लेकर के जीएनडीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो गाइस हमारी बस ये खड़ी हुई है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टूर फतेहपुर सीकरी जा रहा है। तो ये हमारे तुषार सर हैं, ये अभी यहाँ पर जॉगिंग करते हैं। तो अभी हम लोग मिल चुके हैं तुषार सर से, इधर सत्य भाई हैं, इधर हमारी बस खड़ी हुई है। अभी लोग बस में बैठ चुके हैं और बस में कुछ मनोरंजन होता हुआ फतेहपुर सीकरी उतरने के बाद हमने बस कर ली है पूरी। जो सामने वाली बस है ये हमें अब फोर्ट तक छोड़ेगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अंग्रेज़ों के साथ चला जाऊं अपनी क्लासमेट्स को छोड़ करके, लेकिन मैम ने बोला कि वापस बस में आकर के बैठ जा। वो वाली बस थोड़ी छोटी थी तो ये बस फुल भर चुकी है। मुझे जगह नहीं मिली बैठने के लिए तो मैं खड़ा होकर के गया था। फाइनली गाइज हम लोग टूर पर पहुंच चुके हैं और सभी लोग अभी टिकट ले रहे हैं। ये इधर का सीन है, यहाँ पर अंग्रेज लोग खड़े हुए हैं और बाकी हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं सब इधर घूम रहे हैं। कुछ लोग इधर घूम रहे हैं और कुछ लोग इधर घूम रहे हैं। सो गाइज मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं अभी आराम कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है और सौरभ भाई साथ हैं। फाइनली गाइज आप व्यू देख सकते हो आप लोग। पता नहीं मुझे नाम क्या है जिसको हम घूमने के लिए आए, और देख सकते हो आप लोग व्यू क्या वाव व्यू। प्रॉब्लम्स नहीं इसी ग्रो प्रॉब्लम अलग तो भी हो आ लॉस्ट इन पार्लियामेंट सपेल दीवाने पास से पार्लियामेंट तक रहे। ये हमारे गाइडेड हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और अभी ये लोग हम दीवाने आम पर आ चुके हैं। मैं मेरे 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का, दूसरा 1527 में राणा शांगा के साथ खांडवा का। तो बाबर ने इसको फतेह किया, फतेह करने के बाद नया। फाइनली गाइज हम लोगों की एंट्री हो चुकी है जिसके बाद हम दीवाने खास के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अकबर वगैरह बैठते होंगे मुझे पता नहीं है। तो आप लोग महल देख सकते हैं कैसा है। और गाइज अपने कॉलेज की पूरी टीम बीएड की, ओनली मैं ही एमबीए से एक स्टूडेंट हूँ, बाकी सब लोग बीएड से हैं। फाइनली अशरफ सर और मैं अभी दीवाने खास के अंदर जाते हुए, ये एंट्री गेट है, मैम आगे चली गई है और हम लोग हमारी एंट्री हो गई है और बाकी स्टूडेंट पीछे से आ रहे हैं। सर अंदर बुला रहे हैं। खास मीटिंग करते थे पार्लियामेंट हाउस, इसके चारों साइडों में छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, 9 गेट 9 रत्नों के बैठने के लिए, बाकी गेट आने जाने के लिए, मिडिल में अकबर के बैठने। वो जो सामने दिख रही है वो अकबर के हाथी की एलिफेंट टॉम्ब है, मतलब कि हाथी मर गया था तो उसके लिए उसने वहाँ पर समाधि बनाई थी तो उसी की टॉम्ब है। बाकी हम लोग अभी घूम रहे हैं सभी लोग। इसमें चारों साइड पत्थर के ऊपर कार्विंग किया हुआ डिजाइन, इसको शीश महल बोलते हैं। अकबर के समय चारों साइडों में शीशे थे, इस जगह को अनूप तालाब कहा जाता है, इसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तानसेन के टाइम पर साइड में गुलाब पानी भरते थे, रोज वाटर, यहाँ बारिश का पानी है। वहाँ राजा अकबर बैठता था पिलर के ऊपर, सामने जो बालकनी बनी हुई है वहाँ पर रानियाँ बैठती थी पर्दे के अंदर, पर्दा से। भाई ये लोग अकबर का बेडरूम है, ये देख रहा है, ये बेडरूम है। अकबर के चढ़ने का जीना था, ये हमारे गाइडेड समझा रहे हैं और ये पता नहीं क्या है, उधर भी पता नहीं क्या है मुझे अभी। भाई ये रियल अकबर की फोटो है और ये पता नहीं क्या है। सबसे बड़ा महल है इस जगह का जिसमें हम घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा महल है। और अभी हमारी टीम हमारे साथ चल रही है। गाइस पीछे भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा पीछे हैं, उनकी टीम अलग है। बाकी हम लोग जा रहे हुए हैं और हमारे गाइडेड हमें आगे गाइड कर रहे हैं। सो गाइज ये सबसे बड़ा महल है इस किले का, क्या बोलते हैं किला है क्या है। सो हमारी एंट्री हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। ओल्ड गोवा और ये किताबें हैं। हम लोग अंदर जाते हुए एंड एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर अंग्रेज बैठे हुए हैं। सो गाइज
इधर भी अंग्रेज लोग हैं। सो गाइज ये बहुत बड़ा महल है यहाँ का। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे गाइड हमारे इंतजार कर रहे हैं। सो गाइज रहे हैं, हेलो। विंटर, ये विंटर है, ये समर है, ये विंटर रूम है, अरे समर रूम है। इसके पीछे देखें वो वेंटिलेशन दिख रहा है ना जाली, और पीछे सामने वहाँ टेंपल है। ये बीच में जो गमला बना हुआ है तुलसी का, अभी भी डाल होता था, अभी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं कि अपने ग्रुप का कंप्लीट ग्रुप का फोटो खींच रहे हैं। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और एक्सपाइटेड सब कुछ देख लिया है, तो हम लोग जाते हैं वापस घर की तरफ। ये हमारी क्लास के सभी लोग आ रहे हैं, देखो निधि क्या कर रही है। हेलो हेलो रोहन, हेलो हेलो मैम, हेलो। लगता है मैम को आवाज़ नहीं गई इसने। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जो हमारे गाइड थे वो चेंज हो चुके हैं नेक्स्ट टाइम आने के लिए। अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को, बनाने में जो टाइम लगा था वो 12 साल लगा था। 1570 स्टार्टिंग करा, 1582 में सामने मौश्क्यू मस्जिद है, वो दरगाह है। जो अकबर के टाइम में स्कूल यहाँ चलता था क्लासरूम, जहाँ बच्चे लोग बुलंद दरवाजा, अगर उनमें से कोई भी मरता है तो उन लोगों की कबर यहीं पर बनाई जाती है। आप लोग जितनी भी जो कबर बाहर देख रहे हैं ये जेंट्स लोगों का है, अंदर जो कबर है वो वहाँ लेडीज का है। इसे निकाल दिया था लाहौर पाकिस्तान के लिए, बाद में जहांगीर की शादी नूर जहां से कराई थी जिससे लड़का हुआ था साजा। और आप लोग सामने वहाँ दिस इज बुलंद दरवाजा स्टे एट फतेहपुर सीकरी। ब्लॉग पूरा बन रहा है। सो फाइनली गाइस घूमने के बाद मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर बिकने का सामान ये है, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं, बस मैं देख रहा था। ये रिक्शा कितने का है, छोटा सा? हाँ अरे छोटा, इससे छोटा, मतलब ये बड़ा है, मैंने छोटे का पूछा था।